बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 112 नफराबाद के कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई कि ये आज़ाद कश्मीर का जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद, इसमें शाहनायत दरबार की बैक साइड पर अपर अड्डा के मुकाम पर एक कौवा जो है, इंग्लिश में जैसे क्रो बोलते हैं, कौवा जो है वो दरख्त की काफ़ी ऊंचाई पर, चोटी पर जाके फंस चुका है और जिसे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। इस पर हमारी जो टीम है रेस्क्यू 112 आज़ाद जम्मू कश्मीर की, मौका पर इस ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। इस ऑपरेशन में हमने जो इक्विपमेंट अपने साथ रखा उसमें रेस्क्यू रोप, कहाँ पे हो आप इस और इसमें हमारा 5 लोगों का क्रू था, जिसमें एक ड्राइवर और बाकी टीम, इसमें जिसमें 2 DR। अब आप रोप की मदद से नीचे आओगे और आगे लैडर पे पांव रख के स्लोली नीचे आते जाओगे। या आप लैडर देखें कि इस लैडर को सबसे पहले ये कि ये सिंगल लैडर की फॉर्म में पड़ी होती है, मगर इसको ऑपरेशन में आप खींच कर लंबा कर सकते हैं। तो वीडियो में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब कौवा जो है, अगर आप बहुत फोकस करें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल था यहाँ से कौवे को की वीडियो को रिकॉर्ड करना और साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की कवरेज भी करना, मगर आप गौर से देखें तो हमारे रेस्क्यू भाई वो आपको बिल्कुल टॉप पर नज़र आ रहे हैं और ये कौवे को हुक की मदद से रेस्क्यू किया। तो अब ये इस कौवे को नीचे उतार लिया गया है और चूँकि ये काफ़ी देर से या लोगों के मुताबिक एक दिन हो चुका था इसको वहाँ पर लटके हुए, बट 112 को अनफॉर्चुनेटली कॉल देर से मौसूल हुई। तो जब मौसूल हुई तो इसको फ्राम की, ये अब आप देखें, आपको भी बस नज़र आ रहा होगा कि उसकी डोरी जो कौवा है वो मूव कर रहा है आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये हमारे रेस्क्यू जवान आपको नज़र आ रहे हैं कि वो टॉप पर इस वक्त आस्ता आस्ता ये हुक की मदद से इस कौवे की को रेस्क्यू कर रहे हैं। असल में कौवे की जो का जो पंजा है या पाँव है या पर है, उसके अंदर ये जो होती है ना डोर वगैरह धागा, और ये कौवे को डोर वो फंसी हुई है जिस वजह से वो वहाँ पे लटक रहे हैं। डोरी को काटेंगे तो वो आजाद हो जाएगा, उसकी बुरी हालत है। तो मगर व्यूअर्स ये है कि 112 ठीक है, अब वो खींच लेगा। दुनिया में जहाँ भी जो लोग हैं जो खिदमत करते हैं, जैसा कि लिविंग थिंग्स का ख्याल रखना, इंसान, जानवर, परिंदे सब उसमें आ जाते हैं। तो हमारा रेस्क्यू 112 का भी जो मेन जो इसका जो मकसद है वो इस बात पर है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो डेफिनेटली अगर इंसानों की जान शाहनायत दरबार के पीछे एक कौवा नहीं ही जरूरी है, ढाई हाइट तो उतनी ही जरूरी हर जान के फंसा हुआ था हमारे लिए, जिस पर इत्तला मिलते ही हमारी जो टीम है रेस्क्यू 112 की, मतलब के जान बचाने के लिए हम किसी भी एनिमल, किसी भी चीज की जो मुश्किल में हो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इन द एंड अब आप ये देखें कि कब्रिस्तान में और एक साइड पे, बैक साइड पे काफी दूर जहाँ पर अप्रोच भी ना हो, तो ऐसी मुश्किल जगह पर, और ये जो दरख्त है इसमें कोई स्टेप नहीं है शुरू से काफ़ी हाइट तक इसमें कि जिस पर पांव रख के ऊपर जाया जा सके। अब हम इस तो 112 अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर रखती है, तो इसलिए हमने ये लॉन्ग लैडर का इस्तेमाल किया छोड़ना जल जाएंगे। और ये अब ऑपरेशन क्लोज करने के बाद के मनाजर हैं जो हमारे रेस्क्यू जवान इस ऑपरेशन को कर रहे थे, तो अब वो नीचे बाय हिफाजत आ चुके हैं।